हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अलग क्वेश्चन हैं जो कि लेंथी क्वेश्चन में गिने जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा है। देखिए, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। देखिए वहां से क्वेश्चन नंबर एक क्या कहा गया, 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने उसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा। जैसे सीपी हमेशा क्या करिएगा, 100 लेके चलते हैं। वहाँ से सीपी कितना आ जाएगा बताइएगा, 100। अब देखो, जब 100 पे 15% के लाभ पर बेचा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा बताइएगा, 115। यानी एसपी कितना हो जाता है, एसपी 115 में बेच देता। लेकिन उन्होंने ये कहा यदि उसको 25% कम में खरीदा होता। मतलब क्या, 100 पे नहीं, कितने में खरीदा होता, ये 75 में खरीदा होता। कैसे, 100 माइनस 25। और ये कहा कि अगर 60 रुपये कम में बेचा होता, जब रुपये आ गए तो रहने दीजिए रुपये को, अगला दिन पढ़ते हैं, तो उसे 32% का लाभ होता। यानी ये क्या हो जाएगा, न्यू सीपी, और उसे 32% का लाभ होता। यानी 75 × 32/100 कितना हो जाएगा बताओ, 25 × 75, 25 × 100 और 4 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यानी 8 × 3 कितना, 24 रुपये का लाभ होता। 75 पे जब अगर 24 का लाभ होता तो कितना हो जाता बताइए, 99, क्योंकि 5 × 4 = 9 और 7 × 2 = 9, यानी 99 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू एसपी। देखिए, सीपी, एसपी, न्यू सीपी और न्यू एसपी। अब देखो, पहले 115 रुपये में बेच रहा था, अब उस वस्तु को वो 99 रुपये में बेच रहा है, तो बताइए कितने रुपये कम में बेच रहा है वो। तो 115 - 99 कितना आ जाएगा, 16। यानी ये 16 रुपये कम में बेच रहा है। क्वेश्चन में कितने कम में बेच रहा है, तो 60 में। तो 60/16 × हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो सीपी हमने कितना लेट किया था, 100, तो 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, 4 × 16 और 4 से 25 बार में जाएगा, और 4 से कितने बार में कटेगा, 15 बार में। जब आप गुना करेंगे, 25 × 15 कितना हो जाएगा बताओ, 25 × 250 और 25 × 5 = 125। यानी 5 × 5 = 7 और 3 = 375 रुपये आपका आंसर रहता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 375 रुपये क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा वस्तु का। फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए। सीपी मैंने 100 लिया, 15% के लाभ पर बेचा यानी 115 रुपये में। लेकिन अगर वह 25% कम में खरीदा होता तो सीपी 100 ना होगा कितना होता, 75 हो जाता। और वहीं पे चीज़ें क्या कहा गया, अगर वो 32% के लाभ होता है तो 75 × 32/100 कितना आ जाएगा बताइए, 24 ऐड कर दिया मैंने 99 में। पहले 115 रुपये में बेच रहा था, अब वस्तु को 99 रुपये में बेच रहा है। मतलब 115 में बेच रहा था, 99 रुपये में बेच रहा है, कितना कम में बेच रहा है ये बताओ। तो बताओगे 115 - 99 कितना, 16 आ जाएगा, 16 = 60। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 100 रख दिया, क्योंकि डायरेक्ट मेरे को सीपी निकालना था। तो आंसर कितना आ गया, 375 रुपये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे। इसी तरीके के जो कि लेंथी क्वेश्चन माने जाते हैं होते हैं, अगर इस तरीके अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग एग्जाम में भी हल कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि यह उसे 40% अधिक दाम पर खरीदता और 24 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए आपने सीपी को 100 लिया है, ठीक है, 20% के लाभ पर बेचता, यानी कितना हो जाता बताइए, 120, ये सीपी, ये एसपी हो जाएगा। और ये कहा गया अगर 40% अधिक दाम पर खरीदता, यानी 100 पे जब 40 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 140। यानी 140 रुपये में क्या करता, वो खरीदा होता, तो उसे 20% की हानि होती। तो 140 × 1/5 कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन होता है, 5 से काट दीजिए, 5 × 2 = 10 और 5 × 8 = 40, ठीक है। तो हानि होती मतलब माइनस करेंगे 28 तो कितना आ जाएगा ये, 112। यानी देखिए, पहले 120 में बेच रहा था, अब 112 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये कम में बेच रहा है ये बताओ। तो आप बताएंगे 8 = 24, तो 24/8 × 100, क्योंकि 100 सीपी था हमारा, 8 × 3 = 24, 100 × 3 कितना आ जाएगा बताइएगा आप लोग, 300 रुपये सीपी रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वाले अभी,
आप लोग बने रहिएगा चैनल से। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या कहा गया। ये कहा गया पंकज एक पतलून 10% की हानि पर बेचता है, तो जैसे ही 10% की हानि पर बेचता है तो आपने CP 100 लिया है, 10% हानि पर बेचता है मतलब कितने में बेच देता है बताइए, 90 में बेच देता है वो। और ये कहा गया यदि वह उस पतलून को 20% कम मूल्य पे खरीदता, यानी अगर 100 में खरीदा था, CP 100 था, 20% कम करोगे यानी 20 ही कम करना पड़ेगा। आप बताएंगे 100 इसीलिए बेस वैल्यू लेते हैं क्योंकि वहाँ से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। तो 80, और ये कहा गया 9 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो देखो 80 का 15/100, 5 × 15, 5 × 20, और देखो 5 से 20 से कितने बार में, 4 बार में, 4 × 12, यानी जब 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, 15% का लाभ होता यानी कितना हो जाएगा ये, 20 × 80, 4 × 12 यानी कितना आ जाएगा ये, 92। पहले 90 में बेच रहा था, अब उसको 92 में बेच रहा है, तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है ये बताइए आप लोग, 2 ज़्यादा में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 9 2/9 × 100, 2 से कटेगा 50 बार में, और 9 × 5 कितना आ जाएगा बताइए, 450 रुपये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, अब देख रहे पहले क्वेश्चन में हमने समझाया आपको अच्छे तरीके से, फिर इस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करते जा रहे हैं हम लोग आसानी से, बस जैसे जैसे पहले क्वेश्चन को आप लोग लिखने का तरीका सीख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन लिखना है लिख सीख जाएंगे तो हल करना भी बहुत ही आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर देखिएगा, संदीप किसी वस्तु को, देख लीजिए, संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, CP 100 लेना है आपको, सबसे पहले CP 100 लेना है, 10% की हानि यानी कितना हो जाएगा बताइए, 90, यानी ये 90 हो जाएगा। और ये कहा गया यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता, यानी ये 100 ना कितना हो जाता, 80 में खरीदा होता तो 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो देखिए 80 × 40/100 ये हो जाएगा, देखिए 0 से 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 8 × 6 = 32। जब 80 में अगर आप 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 112 हो जाएगा, 112। देखिए पहले 90 में बेच रहा था, अब 112 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपये ज़्यादा हम बेच रहा है ये बताइए, 22 रुपये ज़्यादा हम बेच रहे हैं। लेकिन यहीं पर जब क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 55, तो यानी 55/22 × 100, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, CP निकालना है, तो 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, और 2 से कितने बार में जाएगा वो, 50 बार में, यानी 50 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहा होगा, तो 250 रहा होगा यहीं से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जहाँ पे कम और ज़्यादा की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा हल अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या कहा गया है आपके स्क्रीन पे है। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, देखिए 12% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, अगर ये 100 है तो 12% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 112, ठीक है, और 10% कम पर खरीदा गया होता यानी कितना, 90 में खरीदा गया होता, और उसे 30% का लाभ हो जाता। देखिए 30% का लाभ, तो 90 × 30/100 यानी 3/10 भी लगा सकते हैं आप लोग, उसको कोई दिक्कत नहीं है, 9 × 3 = 27, अगर यहाँ पे 27 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 117। पहले 112 रुपये में बेच रहा था, अब 117 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहा है ये बताइए, तो 5 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 5.75, तो देखो 5.75/5 क्या चाहिए आपको, तो ये कहा गया क्वेश्चन में 20% लाभ पाने के लिए उसे, तो देखो 20% लाभ पाने के लिए मतलब CP चाहिए तो 100 करेंगे, लेकिन 20% लाभ तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 120 डायरेक्ट लगा दीजिए आप, ठीक है, देखिए 0 0 क्योंकि दशमलव आपने हटाया, 1 0 से 1 0 जाएगा, अब काटिए इसको 5 से 25 से काट दे क्या, 25 × 50 और 25 × 50 25 × 75, 2 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 1 × 13 यानी 138 रुपये में बेचेगा, तब उस व्यक्ति को जाकर कहीं ना कहीं 20% का लाभ हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहा गया है, अगर सीपी चाहिए होता तो क्या करते आप, 100 से गुना करते, क्योंकि उसको 120% लाभ पे चाहिए होगा, तो कितना चाहिए था, 120 से आपने इंटू कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर छः क्या कहा गया, देखिए, पूजा 20% लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, पूजा 20% लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहते, अगर ये 100 रहा होता तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 120, ठीक है। उसने 10% कम पर खरीदा, यानी कितने में खरीदा, 90 में, उसने 10% कम में खरीदा, यानी कितने में खरीदा, 90 में, और ये कहा गया 30 रुपये कम पर बेचा होता तो 20% का भी लाभ होता, यानी 90 पे 20% का लाभ, यानी कितना हो जाएगा ये बताओ, 1/5 लिख दूँ क्या इसको, बिल्कुल लिख दीजिए, 18 बार में कट जाएगा, जब इसमें 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 108, पहले 120 में बेच रहा था, अब 108 में बेच रहा है, कितने रुपये का लाभ हुआ ये बताओ, +12 रुपये का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का लाभ हुआ है, 30 का, तो 30/12 × 100, यानी कितने बार में जाएगा बताइए, 4 × 12 और 4 × 25 और 3 से जाएगा 10 बार में, 25 × 10 कितना आ जाएगा, 250, और ये 250 ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के हम लोगों ने कुछ अलग क्वेश्चन देखे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसके लिए चैनल आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।